पारस ओके सावन का मौका है भाई झूला झूला है क्या उस बीच रोमांस भी है दर्शनबाजी भी है बताएंगे पहले हम कार्तिक बना रहे हाँ एक बहुत ही प्यारा ड्रीम सीक्वेंस है जो पिछले साल की सावन मिलनी है वो कार्तिक याद करते हैं और नायरा को याद करते हैं जहाँ ये पूरा एक थोड़ा सा गम सा माहौल हो गया है फैमिली खुश है लेकिन कार्तिक ने उस खुशी के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है एट दिस मोमेंट जब वो फैमिली को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें वो पुरानी यादें याद आ जाती है नायरा इन द सेम सावन मिलने वाली ड्रेस याद आ जाती है और वही सीक्वेंस नायरा आपके ड्रीम्स में है कि नहीं है कार्तिक क्योंकि आज आप भी डांस करने वाली हैं सावन मिलनी गोवा में मनाने वाली हैं कायरव और अपनी फ्रेंड के साथ वो मुझे नहीं पता लेकिन ये बहुत प्यारा सा रोमांटिक ड्रीम सीक्वेंस बहुत टाइम बाद आया है ऐसा सॉन्ग मोमेंट और बहुत ही सेंशियस बहुत ही अच्छा सा मतलब पूरा ड्रीम सीक्वेंस है और नायरा अलग है नायरा वहाँ सावन मिलनी मना रही है अपने बच्चे को दिखाना चाहती है उसको बताना चाहती है कि ये भी त्यौहार होता है और इसे कैसे मनाया जाता है एंड ऑब्वियसली शी इज़ मिसिंग कार्तिक और नायरा के ड्रीम सीक्वेंस के बारे में मैं अभी आपको और कुछ नहीं बता सकती अच्छा वैसे ये पता चला कि नहीं चला आपको कि कार्तिक शादी कर रहे हैं तुम्हारा पुनर्विवाह हो रहे हैं उनका जी हाँ नायरा पहले डिसाइड कर लेती है कि वो कार्तिक की लाइफ में वापस आ जाएगी अपने बच्चे के लिए और यू नो दादी के लिए और वो उदयपुर के लिए निकल भी जाती है गोवा से लेकिन वहाँ उसका बेबी फेंट हो जाता है उसको हॉस्पिटल लेके जाती है तो उस दिन वो नहीं जा पाते नेक्स्ट डे जिस दिन उन्होंने जाना होता है उस दिन उसे पता चलता है कि कार्तिक किसी और से शादी कर रहा है तो कार्तिक कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मान चुका है दैट नायरा इज़ नो मोर एंड अब वो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी नायरा को ये लगता है कि अब वो मूव ऑन कर रहे हैं तो ठीक है ना मैं अगर वो खुश है वो मूव ऑन कर रहे हैं तो उनके पुराने रिश्ते को बीच में ला के मैं क्यों उन्हें यू नो वापस ऐड करूँ तो इसलिए वो बहुत कुछ सोचती है फिर बहुत बड़ा डिसीजन लेती है कि वो कार्तिक के पास वापस नहीं ऑब्वियसली नायरा डज नॉट नो दी एंटायर ट्रुथ उसे पूरी सच्चाई अब तक पता नहीं है हाँ कहीं ना कहीं उन्हें आधी सच्चाई पता चली है कि कार्तिक की एक्चुअल शादी हो रही है दादी के बारे में भी पता चल गया क्योंकि ऑब्वियसली गोइंगा जितने बड़े हैं उनका हर चीज़ न्यूज़ में आ जाता था दादी का हार्ट अटैक भी न्यूज़ में आ गया था तो यस तो वो चीज़ें उन्हें पता चली है लेकिन क्यों शादी कर रहे हैं किन हालातों में शादी कर रहे हैं क्या हो रहा है उन पे दैट शी डज नॉट नो बट उसका कहीं ना कहीं उन्हें कुछ आइडिया है कि शायद दो चीज़ें हो सकती है एक तो या तो यू नो इफ व्हेन शी कम्स बैक इधर ही विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट और ही विल बी एंग्री एट हर तो वो ड्रीम्स वो देखती ही है ये कार्तिक का ड्रीम है ऑब्वियसली गाना जो है ये पहली बार जब गोवा जब शुरू किया तो उसमें गोवा में ये गाना ड्रीम एज नायरा ड्रीम किया हमने और अब कार्तिक का ड्रीम है उदयपुर में इसी गाने पे कार्तिक का ड्रीम है तो कहीं ना कहीं जब ये गाना दोबारा रियल में आएगा तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस अच्छा वैसे नायरा बहुत दिन के बाद नायरा जैसी लग रही है इंडियन अटायर में नहीं तो जंप सूट स्कर्ट्स डेनिम्स आपको भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा चेंज हो गया काफी टाइम से इंडियन अटायर अच्छा लग रहा है काफी आई थिंक काफी महीनों बाद मैंने वापस इंडियन कपड़े पहने हैं और ये मेरा पुराना तीज का लुक है सब कुछ वही है फ्रॉम द कॉस्ट्यूम टू माई एक्सेसरीज एवरीथिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी आई एम लविंग दिस लुक आई एम वेरी हैप्पी इतने टाइम बाद थोड़ा मेरे लिए अब कुछ चेंज हुआ सच थैंक यू सो मच थैंक यू आप लोग साथ में बहुत आज फाइनली नायरा को पता चल गया है कि कार्तिक गोवा में ही है
वो आपको नहीं देख पाए लेकिन आपने उनको देख लिया और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 सालों का जो भी गुबार था दिल में वो सब बाहर आंसुओं के जरिए निकल रहे हैं। जी हाँ, पहले तो नायरा कार्तिक को देख लेती हैं, जो एग्जीबिशन जिस एग्जीबिशन में वो लोग हैं वहाँ पे पहली बार नायरा कार्तिक को देखती है और इसकी एक झलक देखती है और वो मतलब एकदम से उससे ऐसे जाता है कि कार्तिक मुझे बस अभी कार्तिक के पास जाना है, उसे और कुछ नहीं दिख रहा है सिवाय कार्तिक के। फिर कुछ होता है वहाँ पे और दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। कार्तिक नायरा को नहीं देखते हैं और नायरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि यू नो कार्तिक यहाँ पे है और उसका कितना मन है उनके पास जाने का, लेकिन वो चाह के भी उनके पास नहीं जा पा रही। और फिर दोबारा जब नायरा कार्तिक को देखती है तो नायरा के लिटरली तोते उड़ जाते हैं क्योंकि नायरा का जहाँ स्ट्रेस इस बात को लेकर चल रहा था कि कायरव के असली पापा से वो कायरव को मिला नहीं सकती और नकली पापा से यू नो वो रिश्ता बनने नहीं देगी, कि किसी नकली पापा को असली पापा की जगह नहीं लेने देगी, क्योंकि नायरा को नहीं पता होता है कि कायरव के जो पापा हैं वो कार्तिक ही हैं और कार्तिक ही उनसे बात कर रहे हैं। और जब नायरा देखती है कायरव और कार्तिक को साथ नायरा के घर पे, तब वो बहुत मतलब शॉक्ड हो जाती है कि मतलब जिसे कायरव अपना पापा समझ रहा था इतने दिन तक वही उसके पापा है। और वो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है, उसका खुद से यही चीज़ कहती है कि यू नो मतलब अब तुम्हें एक बार देख के मेरा सारा गुस्सा मेरी सारी नाराज़गी दूर हो गई, अब सिर्फ तड़प है तुमसे मिलने की, ये चीज़ भी अपने आप से वो कहती है। फिर कायरव को भी वो खुद जाके बोल देती है कि वही तुम्हारे असली पापा है। और अब जब कार्तिक जा रहे हैं तो नायरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा, नायरा बोलती है उसको ये लग रहा है ना कि इतने साल हो गए इनको अलग हुए हुए और अब वो उसको जब तक देख सकती है मतलब तब तक देखेगी, तो वो उनको फॉलो करती है जहाँ तक वो कर सकती है। अच्छा, वैसे आज एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट आपने इमेजिन किया जिसमें आप कार्तिक कायरव तीनों एक साथ हैं, मस्ती कर रहे हैं घर में, पंजा लड़ा रहे हैं, आप दोनों मम्मी पापा मिलकर कायरव से पंजे में हार जाते हैं। आपको नहीं लगता कि डेस्टिनी है कार्तिक का यहाँ पर आना भली कायरव की वजह से, और अब आप तीनों को एक हो जाना चाहिए? आपको जो ये बार बार ख्वाब आ रहे हैं वो इसी चीज़ का इंडिकेशन है? जी हाँ, क्योंकि जब से कायरव ये पापा पापा की बात कर रहा था तब से ही नायरा को कार्तिक का और कायरव को लेके उनके ऑब्वियसली ख्याल आते हैं। और हर मतलब इस बार भी अभी भी जब वो कार्तिक को कायरव के साथ देखती है तो वो यही सपना देखती है कि ना अगर सब अच्छा होता तो कैसा होता, वो तीनों साथ में होते हैं, खेलते हैं, बहुत ही प्यारा सा मोमेंट है जहाँ पे तीनों एक साथ दिखाई देंगे बट स्टिल ड्रीम में ही। पर फिर भी इट्स अ वेरी नाइस क्यूट सॉन्ग मोमेंट एंड या नायरा बस यही इमेजिन करिए कि काश ऐसा सच हो सकता। अच्छा, आज वेदिका से भी हिट एंड मिस हुआ है, मतलब वो उनसे भी आपकी मुलाकात होते होते रहेगी क्योंकि वेदिका आपको पहचानती हैं जी, आप वेदिका को पहचाने ना पहचाने लेकिन वो आपकी शक्ल और सूरत पहचानती हैं। नायरा को नहीं पता है कार्तिक की लाइफ में कोई वेदिका नाम का की कहानी है जी हाँ, नायरा चर्च में है, रो रही है बहुत, भगवान से पूछ रही है कि आप क्यों कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे कोई राह दिखाओ कि अब मैं क्या करूँ। कार्तिक के पास जाना चाहती हूँ लेकिन नहीं जाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं नायरा को ये बात लगती है कि अगर वो अब कार्तिक के पास जाएगी तो पता नहीं वो कैसे रिया करेगा, शायद वो उससे बहुत नफरत करेगा कि वो जिंदा थी फिर भी उसने यू नो छुपाया और उसका बेटा था उसे उससे इतने दिन तक दूर रखा। और वहीं पर वेदिका भी उसी टाइम पर आती हैं, नायरा को नहीं पता उसके बारे में, नहीं पता। अच्छा, बारिश के मौसम में शूट करना है और मुझे पक्का पता है पारस तुम ये पूछोगे और वो भी ऑलरेडी जब तबीयत खराब हो, तबीयत खराब है और ऑब्वियसली सबकी तबीयत बहुत नासाज चल रही है इस वक्त इंक्लूडिंग अस, तो ऐसे मौसम में मेरी आवाज से पहचान गए होंगे। शूट करना ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट होता है आप लोगों को, इनफैक्ट कैमरा यहाँ से वहाँ मूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, हमारे टेक्नीशियंस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उनके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सब सेटअप पूरा देखना और कैमरा को पानी वानी से बचाना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम लोगों के लिए तो ठीक है, हम तो मतलब इंजॉय करते ही रहते हैं बारिश में, बस जब तबीयत ख़राब हो तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तब ठंड लगती है, अदरवाइज रेन तो अच्छी है ना, मॉनसून अच्छा ही लगता है और अच्छा है बारिश फाइनली हो गई। थैंक यू। अच्छा, तो आज फाइनली कार्तिक गोवा पहुँच चुके हैं, आपके घर आ चुके हैं, बट आपको अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि कार्तिक आपके घर पहुंच चुके हैं। जी, नायरा को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। पहले तो नायरा को ये भी नहीं पता है कि कायरव जिससे बात करता है वो उसके पापा ही हैं, वो कार्तिक ही है, और पता नहीं, लेकिन जब से कायरव ये पापा पापा की बात कर रहा है तो नायरा को हर बार ऐसा फील होता है कि कार्तिक हो सकता है या कार्तिक है, उसको फील होता है ये चीज़, लेकिन शी इज़ नॉट श्योर अबाउट इट।
सो आज जब कायरव नहीं मिलते, बहुत ढूंढती है नायरा लीजा उसके साथ, दोनों बहुत ढूंढ रहे हैं कायरव को, कहीं नहीं मिलता. फिर बाद में जब उसका फ़ोन ट्रैक करवाते हैं तब पता चलता है कि कायरव घर की तरफ है, घर पे पहुंच चुके हैं. तो बस नायरा भाग के घर आती है, और घर जब तक नायरा घर पहुंचती है तब तक कायरव सो रहे होते हैं एक जैकेट ओढ़ के. तो वो जैकेट जब नायरा देखती है, उस जैकेट से उसे कुछ महसूस होता है, मे बी कार्तिक का डीओ या कुछ. उसे लगता है कि ये तो मतलब उस जैकेट से उसे कार्तिक का एहसास होता है. लेकिन फिर वो इस बात को हटा देती है अपने दिमाग से. और फिर कायरव के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि बच्चा घर से भागा था एक फ़ोन कॉल, एक मतलब किसी से सिर्फ फ़ोन पे बात करने की वजह से. कल के दिन कुछ गलत ना कर ले, उसको कुछ ना गलत हो जाए, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है. सो ये माना जाए कि कायरव भी बहुत जल्द कार्तिक नायरा के मिलन का कारण बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कायरव की वजह से ही कार्तिक गोवा तक पहुँचे. जी हाँ, कार्तिक गोवा आते हैं कायरव की वजह से. वेदिका और कार्तिक दोनों आते हैं, लेकिन कार्तिक कायरव के पास आ जाते हैं. कायरव और कार्तिक मिलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीक्वेंस है जहाँ पे कार्तिक और कायरव का मिलन बेसिकली, जहाँ वो लोग मिलते हैं पहली बार, बहुत ही प्यारा सीक्वेंस है. और हाँ जी हाँ, कार्तिक गोवा कायरव की वजह से आए हैं, हमारे घर तक भी आ चुके हैं. वहाँ पे हिटन मिस भी है कि वो नायरा की फ़ोटो ना देख ले, नहीं देखते. ओके, ये कुछ मेमोरी भी, फ्लैशबैक मेमोरी भी है साथी का, जहाँ मुझे दोनों की यादें ताज़ा हो रही थी. बेटा हुआ है, बेटी भी, तो क्या नाम रखेंगे. हाँ, एक फ्लैशबैक भी आने वाला है बहुत जल्दी, जो जहाँ पे कार्तिक और नायरा फ्लैशेस आप देख ही रहे हैं, फ्लैशबैक्स आते ही रहते हैं. एक और फ्लैशबैक आने वाला है जहाँ पे कार्तिक और नायरा बेबी को लेके, बेबी के नाम क्या, अगर बॉय हुआ तो क्या नाम रखेंगे, गर्ल हुआ तो क्या नाम रखेंगे, नाम डिसाइड कर रहे हैं. जहाँ पे वो लोग कायरव डिसाइड करते हैं, और कार्तिक जब कायरव सुनता है तो उसे नायरा की याद आती है, जब वो नाम कार्तिक को पहली बार पता चलता है. क्योंकि जब तक कार्तिक गोवा आया है, कार्तिक को नाम नहीं पता है, कायरव का नाम कायरव है, वो उसे टैडपोल बोलने लग जाते हैं. लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका नाम कायरव है, तो थोड़ा सा और दिल से हम जाता है. थैंक यू, थैंक यू. इधर आना. Thank you.
मेरे भाई का पीछे थोड़ा पीछे भाई सबको पीछे कर दो पीछे जाना हो भाई पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ आगे नहीं जाओ गाड़ी भाई मोबाइल थोड़ा पीछे
टू इट। कौन वाइट लगा रहे हैं? फैमिली है, पूरा क्रू है हमारा, पूरे सेट है, सारे दोस्त हैं हमारे और सब साथ में आज इफ्तार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में दुआ करी है, साथ में रोज़ा तो खोला है और बस ऐसे ही ऊपर वाला हमारे सारे फास्ट, हमारे सारे रोज़े कबूल करे और हमें एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करे। ईद बहुत मायने रखता है हमारी लाइफ में और स्पेशली दिस वन ऑब्वियसली टू ईद। ईद उल फितर है जो है ये हमारे रमज़ान पूरे रोज़े के बाद आता है, ये मीठी ईद कहलाती है। शिरकुमा बनता है और नमाज़ पढ़ के जब घर आते हैं हमारी पूरी फैमिली, हम सब हमेशा नमाज़ पढ़ते ही सबसे पहले हम दादी के पास जाते थे, गुज़र गए अल्लाह गुजरने का शिक्र, और उनके घर से फिर सबके घरों में जाके सबके घरों में शिरकुमा खाते थे हम। और तो वही एक ईद है कि जहाँ पे पूरी फैमिली हमारी साथ में, सारे दोस्त घर पे आते हैं, अब्बा के सारे फ्रेंड्स घर पे आते हैं, अशुंकल एवरीवन होम एंड फील्स नाइस यार। इट्स अबाउट अ फैमिली, इट्स अबाउट ब्रदरहुड एंड इंशाल्लाह ये ऐसे ही बरकरार रहे। इट्स अबाउट टू गेन ईद जब भी आता है। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे फैमिली से मिलते हैं और भी फ्रेंड्स आते हैं तो बेसिकली यही रीज़न के लिए आते हैं क्योंकि उनसे हमें ईदी चाहिए होती है। तो वो भाईचारा सब मैं ऐसे ही बोल रहा था, तो बेसिकली हमें पैसे चाहिए होते हैं। तो जब भी वो आते हैं, जब भी हमारे घर के बड़े आते हैं, वो सारे छोटों को पैसे देते हैं। तो मेरे घर में मैं सबसे छोटा हूँ तो मैं इनसे, सजाद भाई से और जगह दीदी से पैसे लेता था। तो हमारे रोज़े ऐसे ही होते थे कि ईदी मिलती है, इट्स ऑलवेज फन। It's not just about money, you get clothes, you get gifts, toys, so बहुत मज़ा आता था ये बचपन में। It's like, you know, it's a new year sort of and everyone celebrating that. वो मुझसे बड़े हैं, वो मुझे ईदी देंगे। फिर भी सेवा क्या पूछेंगे बच्चा मोहसिन से, दुआ कर रही। मैं तो बोलूँगी कलकत्ता आ जाओ मोहसिन के लिए। जेबा की सारी डिशेज मेरे फेवरेट है, वो सब बहुत अच्छा बनाती है। सबसे अच्छा केक, सबसे अच्छा केक बनाती है। एक बार जेबा ने केक बनाया था और हमारी कुर्सी जला दी थी, तो वो हम कभी नहीं भूलने वाले। वो हम भूलने देंगे नहीं। बाद में मैं सीख गई थी और अच्छा बना। नहीं अभी रिसेंटली भी ब्लूबेरी चीज केक और अच्छा केक बनाया था रिसेंटली। भाई का अभी सीख गए केक में भी मैंने बनाया था, जब अवार्ड मिला था वो कुछ साल पहले, कुर्सी जली थी और यूटेंसिल जले थे, आग लगी थी। तो अभी आग पे आप क्या मांगना चाहेंगे? आई डोंट नो, वही कलकत्ता आ जाए थोड़े दिन के लिए भाई, वर्क स्पेंड कर। हां साथ में कितना स्पेशल है रमजान का महीना। रमज़ान का महीना बहुत मुबारक महीना है,
ये महीने में हम लोग सब तिलावत करते हैं अल्लाह पाक की बारगाह में, दुआ मांगते हैं और हम लोग ये दुआ करते हैं कि सब साथ में रहें, खुशी से रहें, पूरी आलम पूरी दुनिया में सुख हो, कोई भी कहाँ परेशानी ना हो। और हमारे ख़ानदान में हम ये चाहते हैं कि और भाईचारा हो, उसमें सब पॉजिटिवनेस हो। आज आपके बेटे का रोजा था, काम कर रहा है सुबह से। मुझे बहुत बुरा लगता है वो रोजा रख कर काम करता है। अच्छा, उसका कुछ फल मिले ईद पे? हम लोग की दुआ है उसको हमेशा, वो अच्छा ही है, वो इतना नेक ही बच्चा है। हाँ हाँ, हमेशा वैसे ही ना बोल रहे हो। उसको रोज़ा रखने का शौक था बचपन से रोज़ा रखने के लिए जिद कर रहा था। गाइस, सभी को रमज़ान मुबारक। आप सबकी फैमिली भी ऐसे ही जैसे हमारी फैमिली है और सबकी फैमिलीज है, और सब ऐसे ही एक साथ रहे, खुश रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, बिकॉज हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी अच्छा टाइम बुरा टाइम रहता है। इट्स अबाउट अ फैमिली हु कम्स टुगेदर एट बैड टाइम्स एंड गुड टाइम्स एंड सपोर्ट एंड लव ईच अदर। तो रमज़ान के महीने में बस आप अपनी फैमिली के साथ रहे, खुश रहे, रोज़े खोले और ईदी मांगे और हक से मांगे, शॉपिंग ले जाए अपनी बहन।